नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पटवारी की तैयारी किस प्रकार से हमारे को करनी चाहिए। कृष्णा एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम डिटेल के अंदर एनालिसिस करेंगे कि जो पटवारी की तैयारी है वो आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी होती है ना, उसके लिए आपको एक स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए। वो चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, जैसे IAS का या RS का, या फिर कितना ही छोटा एग्जाम क्यों नहीं हो, चाहे ग्रुप डी या फिर किसी अन्य एग्जाम्स की अगर हम बात करें, तो अगर आपके पास एक स्पष्ट रणनीति होती है ना, तो उसको आप इस एग्जाम के अंदर जो है वो सफलता की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो पटवारी की जो तैयारी है वो आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। इस क्लास में हम बेसिकली जो पटवारी से तैयारी से रिलेटेड जितनी भी जो चीज़ें हैं ना, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पटवारी का सिलेबस क्या है, उसके सिलेबस का एनालिसिस आपको किस प्रकार से करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनका किस प्रकार से आपको एनालिसिस करना चाहिए, पटवारी के एग्जाम का पैटर्न क्या है, साथ ही साथ पटवारी की जो 2016 का जो मेंस हुआ है उसकी कट ऑफ क्या थी, और पटवारी की 2016 की जो मेंस की कट ऑफ है ना, उसी के आधार पर हम अपना टारगेट डिसाइड किए कि हमें कितने नंबर का टारगेट रखना है। जो पटवारी का अभी एग्जाम है उस एग्जाम्स के लिए हमें कितने नंबर का टारगेट हमें रखना चाहिए, वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कौन सा स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है, यानी कौन कौन सी बुक्स आपको इस पटवारी एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको पढ़नी है अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो। वैसे क्या है कि कृष्णा एकेडमी का जो ये ऑनलाइन इनिशिएटिव है, इसके माध्यम से जो है पटवारी हो गया या फिर राजस्थान पुलिस हो गया, रेट हो गया, जितनी भी जो एग्जाम्स अभी वर्तमान के अंदर हैं उन एग्जाम्स की तैयारी का जो है वो शुरुआत कर दी गई है, और ऑनलाइन जो है क्लासेस अपलोड कंटिन्यूसली की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रिवीजन की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, और आप एक बेसिक टाइम टेबल आपको किस प्रकार से फॉलो करना चाहिए कि आप एग्जाम की जो तैयारी है वो बेसिक तरीके से अच्छे तरीके से आप कर सकें। तो शुरुआत करते हैं इस क्लास की, जिसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पटवारी का जो सिलेबस है उसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए। देखो, ये आपका पटवारी का सिलेबस है ना, उसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक इंडिया GK, राजस्थान, इंग्लिश और हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर। देखो, अब इंडिया GK के अंदर आपका कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर है आपके ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के अलावा साइंस भी है इसके अंदर, ठीक है ना, साइंस है और पॉलिटी है, पॉलिटी और करंट, ठीक है ना, ये करंट अफेयर्स, ये आपका इंडिया GK वाला पोर्शन है। इस इंडिया GK वाले पोर्शंस में आपका सिलेबस के अंदर कितना परसेंट वेटेज है, लगभग 25% आपका सिलेबस का जो वेटेज है वो इंडिया GK का वेटेज है। यानी इस क्लास में हम ये भी डिस्कस करते चलेंगे कि सिलेबस का जो कौन सा पोर्शन है ना वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन सा पोर्शन जो है वो आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में जो है जो पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो जो इसकी रणनीति आपको इस प्रकार से बनानी है कि उसको आपको ज़्यादा समय देना है, इस प्रकार से आपको तैयार करना है। देखो, इसका 25% जो है वो पोर्शन इंडिया GK का है, और इससे लगभग 38 क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे और 76 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस जो है वो 2 नंबर का होगा। तो 38 क्वेश्चन आपसे किससे, इंडिया GK वाले पोर्शन से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब बात ये करते हैं कि आपका जो इंडिया GK वाला पोर्शन है ना, इस इंडिया GK वाले पोर्शंस को किस प्रकार से आपको एनालिटिस की तरीके से जिसका एनालिसिस करना है कि जो है वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको इसको। देखो, हिस्ट्री के अंदर आपको पता है 3 चीज़ें हैं, कौन कौन सी 3 चीज़ें, एक है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना, एक है एंशंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, और एक है मध्यकालीन भारत, ठीक है ना, मध्यकालीन भारत, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशंट हिस्ट्री। तो लगभग इसके 38 क्वेश्चन हैं, इस 38 क्वेश्चन में से मान के चलिए कि ये जो 5 सब्जेक्ट्स है इसमें लगभग हर एक से 7 से 8 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अगर हम ये मान के चले कि जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, हिस्ट्री वाले पोर्शन से, एक मिनट इसको अच्छे से मैं समझा देता हूँ आपको, कि ये आपका जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, हिस्ट्री वाले पोर्शंस को हम अगर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है ना, ये मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत, और ये एंशंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत। तो अगर हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन आपके बनते हैं तो आपको हिस्ट्री का जो सिलेबस है ना वो किस प्रकार से आपको तैयार करना है, उस चीज़ को आपको देखना है किस प्रकार से, कि अगर 7 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो इसमें से लगभग ये संभावना है कि 4 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से बनने वाले हैं,
ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि जो इतिहास अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो उसमें आधुनिक भारत का जो इतिहास है ना, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर भारत की आज़ादी तक, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपके राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस उस राष्ट्रीय आंदोलन वाले टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक कहाँ से कहाँ तक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना है, उस कांग्रेस की स्थापना से लेकर आज़ादी तक का जो इतिहास है ना, वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वाला टॉपिक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति वाला टॉपिक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री एक ये होती है कि आपको आईएएस के लिए भी पढ़नी है, एक आपको आरएएस के लिए भी पढ़नी है, और एक आपको पटवारी के लिए भी पढ़नी है। तो आपको ये फाइंड जरूर करना, आपको ये निष्कर्ष जरूर निकालना है कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे लिए वो हमें ज़्यादा उनको पर फोकस करना चाहिए, उनको हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि चार क्वेश्चंस आने हैं। अब उस चार क्वेश्चंस के लिए आपको केवल मतलब कि लगभग 1-1.5 महीने 2 महीने तक आप केवल मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर नहीं बैठ सकते हो, आपको इसी प्रकार से इसको तैयार करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी अगर बचे हुए जो 3 क्वेश्चंस हैं उसमें से 2 क्वेश्चंस मान लो आपके मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री से, या फिर 2 क्वेश्चन मान लो आपके इससे बन सकते हैं, ठीक है ना, या इससे 1 बन सकता है और इससे 2 बन सकते हैं। तो ये है कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री के जो वेटेज है ना वो आपके इसके अंदर ज़्यादा रहेगा। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इसका एनालिसिस का एक ही मतलब है कि मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब बात करते हैं आपके ज्योग्राफी, आपके ज्योग्राफी के अंदर इंडिया की ज्योग्राफी है, इंडिया की भौतिक विभाजन, नदियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि उन्हीं से आपसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई कौन सी वहाँ ऊंची चोटी है, कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। जो भारत का भौतिक विभाजन है उसको पूरा अच्छे से डिटेल के अंदर आपको पढ़ना है। तो ये ज्योग्राफी वाली चीज़ें हुई। अब बात करते हैं आपके पॉलिटी के अंदर, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है ना, जो आर्टिकल्स है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, मूल नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, और ये संविधान का भाग 5, तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चंस अच्छे स्टैंडर्ड के पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार होगा ना, तो आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में इजी रहेगा, क्योंकि अगर आपने 2016 का जो पटवारी का पेपर देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि पटवारी के एग्जाम्स में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है ना, एक ये स्टेटमेंट लिख दिया, फिर उसके जो है 4 विकल्प है, ठीक है ना, उस 4 विकल्प में से आपको छांटना है कि कितने सही है, 2 सही है, 3 सही है, या 1-2 सही है, कितने सही है। ये आपका क्वेश्चंस हो गया, उस क्वेश्चंस के आधार पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो ये जो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको हम तभी अच्छे से तैयार कर सकते हैं जब हमारा जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी सब्जेक्ट्स का जो है वो अच्छे से तैयार होता है, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। तो इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको फोकस जरूर करना है, इसमें इंडिया जीके वाले पोर्शंस के अंदर, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो पॉलिटी है, वो ज्योग्राफी है, और इसके अलावा जो है वो साइंस है। साइंस में भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना, देखो साइंस में आपके बेसिकली 3 चीज़ें होती है, साइंस में 3 चीज़ें कौन कौन सी, एक होती बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री, और एक होती फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जैव विज्ञान। अब इसमें अगर साइंस से लगभग मान लीजिए 7 से 8 क्वेश्चंस अगर बनते हैं, देखो मैं 700-800 क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 38 क्वेश्चंस है और इसमें 5 सब्जेक्ट्स है, अगर 5 सब्जेक्ट्स से 7-7 क्वेश्चंस भी बनते हैं तो 35 क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चंस होते हैं। हो सकता है कि किसी से 8 बन जाए, हो सकता है किसी से 9 बन जाए, और किसी से 6 ही बने। तो आप ऑन एन एवरेज ये लेके चल सकते हो कि हर सब्जेक्ट से जो है वो 7 क्वेश्चंस तो आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी ये संभावना है कि जो बायोलॉजी वाले, जैव विज्ञान वाला जो आपके सब्जेक्ट्स है ना साइंस के अंदर, जैव विज्ञान, उससे क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी। बाकायदा ये जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है उसके इस बायो जैव विज्ञान के बाद में दूसरा जो नंबर आता है वो इसका आता है, भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का। तो आपको इसी क्रम के अंदर तैयार करना, सब्जेक्ट्स को उठाना, फिर उस सब्जेक्ट्स में से आपको ये देखना है कि हमारे लिए बायोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ताकि आपकी तैयारी जो है ना वो एक स्पष्ट तरीके से और एक स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ते, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। अब ये इंडिया जीके वाले सिलेबस के साथ अब सेकेंड पोर्शंस के ऊपर हम चलते हैं। इसमें ये चीज़ एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है ना, उससे लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस बनने की संभावना बिल्कुल निश्चित है। तो आपको क्या करना, डेली करंट अफेयर्स जो कृष्णा एकेडमी के द्वारा शुरू करने वाला है इनिशिएटिव, उसको आपको डेली करंट अफेयर्स उससे रोज आपको पढ़ना है। उसमें हमारा यही प्रयास रहेगा
कि जो आपकी एग्जाम्स की नीड है ना उसी के हिसाब से आपको करंट अफेयर्स दी जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको जो है वो अनावश्यक जो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है या फिर उनकी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक हम करंट अफेयर्स डिस्कस करें, नहीं, केवल आपकी एग्जाम की डिमांड पूरी कर सकते हो उतनी ही हमारे करंट अफेयर्स हम इस क्लास के अंदर हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि हम कोई भी न्यूज़ पढ़ रहे हो तो उसका इतना बैकग्राउंड हमारे को जानने की आवश्यकता नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट ही नहीं हो। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उनका जो समय है ना वो कभी भी वेस्ट नहीं हो। तो उस समय की सबसे बड़ी कीमत उन स्टूडेंट्स के लिए होती है, इसलिए एकदम टू द पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आएगी और एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट पूरी करती हो उसी हिसाब से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये इंडिया जीके वाला पोर्शन है। इसी प्रकार से आपका राजस्थान वाला पोर्शन है जिसका 20% वेटेज है, जिसमें राजस्थान का हिस्ट्री भी है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर भी है, राजस्थान की ज्योग्राफी पॉलिटी ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, इंक्लूड है, ठीक है ना। देखो आपका जो सिलेबस का कौन कौन सा पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तीन पोर्शन है, एक आपका इंडिया जीके वाला, एक आपका राजस्थान जीके वाला और एक आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला। मैथ्स और रीजनिंग वाला आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही आपको जो है वो सफलता और असफलता का जो निर्णायक कारण बनेगा ना वो आपका मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि इसमें जिसके अच्छे स्कोर होंगे ना वो कट ऑफ के उतना ही नज़दीक जाएगा, कट ऑफ के ऊपर जो नंबर लेकर आता है ना वो इसी में उसकी सबसे बड़ी भूमिका होगी। वो कैसे होगी वो अगली स्लाइड में हम देखेंगे, कि जब हम टारगेट्स देखेंगे ना कि भाई हम किस प्रकार से हमारे को अपने एग्जाम्स के लिए टारगेट बनाने, कितने नंबर का हमें टारगेट बनाना है, क्योंकि पहले हम कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे 2016 की जो मेंस की कट ऑफ है ना उसका एनालिसिस करेंगे, फिर हम अपना टारगेट रखेंगे। उस केवल टारगेट ही नहीं बताऊंगा मैं आपको, उसको किस प्रकार से आपको अचीव करना है वो चीज़ भी हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये आपका हिंदी और इंग्लिश है, इसका लगभग 25% वेटेज है और इससे 22 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 44 नंबर के क्वेश्चंस इससे आएंगे, ठीक है ना। और ये आपका मैथ्स और रीजनिंग है, इसका 30% वेटेज, सबसे ज़्यादा वेटेज आपका मैथ्स और रीजनिंग का है। और ये सबसे निर्णायक भूमिका इसकी क्यों होने वाली, क्यों, क्योंकि इससे क्या है कि अगर आपका क्वेश्चन सही है तो पूरे में से पूरे नंबर, वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में इसमें इनमें भी पूरे में से पूरे क्वेश्चन है, लेकिन ये होता क्या है कि ये क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो आपका पेपर बहुत इजीली सोल्व होगा, अगर किसी एग्जाम किसी क्वेश्चन में आप फंस गए तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी ये कंज्यूम कर लेंगे। जीके में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है हम उसमें सीधा निर्णय लेकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे को हर क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है और सोल्व करने के बाद में भी अगर हमारा राइट आंसर नहीं आता तो फिर वो हमारा एग्जाम के अंदर समय ही खराब हुआ ना। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इसको अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर लास्ट में आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन है जिसका 10% योगदान है और 15 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे जिनके नंबर ये होंगे, ठीक है ना। अगली स्लाइड में हम बात करते हैं आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ना वो क्या है। देखो एग्ज़ाम का पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपसे लगभग 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग क्या 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इनका जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का होगा, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये एक बेसिक चीज़ थी एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड, जो वो एग्ज़ाम पैटर्न में ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और लगभग 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना, और उस उनमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी और 3 घंटे का आपका पेपर है, उस 3 घंटे में आपसे 150 क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अब हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी पटवारी की तैयारी का वो है आपकी जो मेंस की कट ऑफ, क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार स्टूडेंट्स जो है ना जो लगभग 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से या 4-5 महीने से तैयारी कर रहे हैं, पहले बात तो ये है कि उनको सिलेबस का ही पता नहीं होता कि हमारे हिस्ट्री के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। इसलिए मैंने कहा कि सिलेबस का एनालिसिस आपको इस प्रकार से करना है कि मॉडर्न हिस्ट्री हमारा इंपॉर्टेंट है, साइंस में हमारे लिए कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि आपके जो पटवारी का 2016 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था ना उस मेंस के एग्ज़ाम्स की कट ऑफ क्या रही थी। उस मेंस के एग्ज़ाम की जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी 196 यानी 196.11 जनरल की कट ऑफ थी, ठीक है ना। अब ये मैंने कैटेगरी वाइज ओबीसी एससी एसटी तीनों की कट ऑफ मैंने यहाँ पर स्लाइड के अंदर दी है, अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये तो केवल कट ऑफ है आपकी मेंस की, और इस बार आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि पटवारी का एग्ज़ाम प्री और मेंस में नहीं, केवल एक ही चीज़ वो है एग्ज़ाम के अंदर होगा, केवल आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, प्री और मेंस का एग्ज़ाम पटवारी के अंदर नहीं होने वाला है। तो क्योंकि अब मेंस की जो कट ऑफ है जो वही फाइनल कट ऑफ होती है तो उसी के आधार पर हम जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें हम ये बात करने वाले हैं कि ये जो जनरल की जो कट ऑफ है ना 196 है, तो अब हम अपना क्या टारगेट रखें। देखो मैं जनरल
एक जनरल के कट ऑफ को लेके बात कर रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स हो, वो चाहे जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, उसको अपना टारगेट रखने के लिए उससे 15 से 20 नंबर का जो है वो एक्स्ट्रा जो ये कट ऑफ है ना, इसमें आप एड ऑन कर दीजिए। इसमें एड ऑन करके 15 से 20 नंबर और अपना टारगेट रख लीजिए। किस प्रकार से वो आपको मैं इस पर बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ टारगेट देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपको टारगेट रखना है लगभग 215 से 220, ठीक है ना। 220 रखते हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर हम टारगेट रखते हैं तो उससे 4 या 5 नंबर 10 नंबर पीछे जाते ही हैं, अगर उस टारगेट को प्रयास अचीव करने के लिए सीरियसली अगर हम मेहनत करते हैं तो, ठीक है ना। तो ये एक 15 से 20 नंबर का जो है वो जो कट ऑफ है उसमें आप एड ऑन कर लीजिए। अब बात ये आती है कि सर आपने केवल कट ऑफ बता दी, अब इसको अचीव कैसे करना है हमारे को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो वही है कि हमारे कौन से सेगमेंट से किस प्रकार से हमारे को उस कट ऑफ को अचीव करना है। और ये जो आपने स्लाइड बताई थी, सबसे फर्स्ट स्लाइड थी हमारी सिलेबस वाली, उस सिलेबस वाली स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे कि ये आपका इंडिया जीके वाला पोर्शन, ठीक है ना। ये इंडिया जीके, ये राजस्थान, ये हिंदी और इंग्लिश, ये रीजनिंग मैथ्स और ये कंप्यूटर, ठीक है ना। अब इसमें से मैंने ये ऊपर लिख रखे इनमें से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे और उनके कितने कितने नंबर होंगे। अब आपको क्या करना है कि हर पोर्शन से कितने नंबर जो क्वेश्चन है उनको टारगेट बनाना है, ताकि जो आपने टारगेट जो बनाया है, मान लीजिए कि आपने जनरल कैटेगरी के हो तो उसमें आपका टारगेट था 215 से 215 से 220 का टारगेट हमने रखा था। अब भाई इसको अचीव कैसे करना है हमारे को, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखो अब बात करते हैं आपके इंडिया जीके के अंदर लगभग 38 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसके अंदर हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है और साइंस भी है और करंट अफेयर्स भी है ना। अब आप ये मान के चलना कि इसमें आपको 25 से 27 क्वेश्चन, अगर आप 25 क्वेश्चंस का टारगेट रखते हो उसको किस प्रकार से अचीव करना है, आप टारगेट कीजिए। हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें एंशियंट हिस्ट्री भी, उसमें मिडाइवल हिस्ट्री भी, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी है, तो आपको उसको मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से तैयार करना है, एक चीज़। पॉलिटी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना हो सकता है एग्जाम को टफ बनाने के लिए एग्जामिनर क्या करे, साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनका वेटेज बढ़ा दे। साइंस के लगभग 7-8 क्वेश्चन है तो वो लगभग 10 क्वेश्चंस पूछ लें, तो साइंस जो है उसको आपको अच्छे से तैयार करनी है। साइंस जो आपका सब्जेक्ट्स है, उस साइंस सब्जेक्ट्स में मैंने आप जब सिलेबस का एनालिसिस किया उस समय मैंने आपको डिस्कस किया था कि बायोलॉजी वाले पोर्शंस के ऊपर आपको फोकस करना, देन आपको फिजिक्स वाले पोर्शंस के ऊपर आना, फिर उसके बाद में आप जो है वो रसायन विज्ञान या जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है आपके साइंस के अंदर, साइंस आपके 10th जो स्टैंडर्ड की है वही साइंस आपसे पूछी जाएगी, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो आप क्या करिए कि हर सब्जेक्ट से डिसाइड कर लीजिए कि मुझे लगभग कितने क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आप हर सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन का टारगेट रखते हो तो आपके 25 क्वेश्चन जो है वो सही हो जाते हैं। कितने क्वेश्चन का, हर सब्जेक्ट से आप 5 क्वेश्चन, क्योंकि 5 आपने करंट अफेयर्स के सही किए, 5 आपने हिस्ट्री के सही किए, 5 आपने पॉलिटी के सही किए, 5 आपने ज्योग्राफी के सही किए और 5 ही आपने उसके करंट अफेयर्स के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आपने 5-5 क्वेश्चन सही करते हो तो आपके 25 क्वेश्चन का टारगेट हो जाता है, और 5 आपको एक सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन सही करने के लिए उस सब्जेक्ट को उसी प्रकार से आपको पढ़ना होगा कि कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो चीज़ आप कैसे फाइंड करोगे उसका देखो मैं एक आपको एनालिसिस कर सकता हूँ। आप क्या कीजिए कि 2016 के अंदर पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ ना उसके जो क्वेश्चन पेपर है ना प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना ये पेपर उठाइए, और पेपर उठाने के बाद में देखिए कि हिस्ट्री से किस प्रकार, पहले ये सिलेबस चेंज हुआ है एक सबसे बड़ी बात, जो उस समय सिलेबस था उस सिलेबस में से जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे राजस्थान था, ठीक है ना, और पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो देखिए कि क्वेश्चंस का नेचर किस प्रकार से था और किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, उन्हीं टॉपिक के ऊपर आपको इस बार भी फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना वो उसी उन्हीं टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जब आप एनालिसिस करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो क्वेश्चंस का लेवल है ना वो किस प्रकार का रहने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप 25 क्वेश्चंस का टारगेट रखते हो और 25 क्वेश्चंस का आपको टारगेट रखना है, 25 क्वेश्चन का टारगेट रखने से आपका कितने नंबर मिलेंगे, 50 नंबर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राजस्थान। देखो अब राजस्थान पटवारी की तैयारी करने वाले अधिकांश स्टूडेंट्स कौन से होंगे, राजस्थान के होंगे,
और उनका चाहे इंडिया जीके वाला पोर्शन इतना स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्हें राजस्थान वाला पोर्शन तो इस प्रकार से तैयार करना है कि अधिकतम ये जो मैं 23 क्वेश्चन रख रहा हूँ, 23 की बजाय आप 25 के 25 क्वेश्चन सहित ये जो 30 क्वेश्चन हैं, 30 में से क्वेश्चन कोशिश करिए कि 25 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि पटवारी के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसमें केवल पटवारी की तैयारी करने वाले ही नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना, उसमें राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी होंगे, उसमें जिन्होंने आरएस प्री का एग्जाम दिया या फिर आरएस मेंस का एग्जाम दिया जिनका फाइनली नहीं हुआ, जिनको जॉब सिक्योरिटी के लिए चाहिए वो भी पटवारी का एग्जाम देंगे। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक विकल्प, सबसे इंपॉर्टेंट विकल्प जो है वो ये है कि आप जिस भी चीज़ की स्टडी कर रही है उसका थोड़ा डीप स्टडी, थोड़ा गहरा अध्ययन कीजिए, वो एक सबसे बड़ा आपके पास कारामत हथियार है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि, और वो हर एग्जाम के अंदर होता है, मैंने इस बार आरएस का मेंस का एग्जाम दिया, मुझे खुद को पता है कि भाई जिन व्यक्तियों का पिछली जो आरएस की 2016 की वैकेंसी थी उस वैकेंसी में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो अपनी, या फिर जिनका सिलेक्शन हो गया है वो रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो भी वापस एग्जाम देते हैं, वो वापस एग्जाम देते हैं तो फिर कॉम्पिटिशन का लेवल तो बढ़ जाता है। तो फिर हमारे पास क्या विकल्प बचता है, विकल्प ये बचता है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं उसको थोड़ा गहरी स्टडी करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करें। वो मैं उस एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। अब आपके पटवारी के एग्जाम्स की अगर हम बात करें उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जिस भी चीज़ का आप अध्ययन कर रहे हो ना उसका थोड़ा डीप स्टडी करो, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनको अच्छे से तैयार करो ताकि आप कॉम्पिटिशन्स के लेवल में बने रहो। और आप कोशिश करिए कि जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी करो ना उससे एक लेवल ऊपर की आप तैयारी करो, चाहे आप राजस्थान पुलिस की करो तो पटवारी लेवल की तैयारी करो, पटवारी लेवल की तैयारी करो तो आप जो है आर एस प्री के लेवल की तैयारी करके चलिए, मान के चलिए, ताकि क्या है कि आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। और पटवारी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस के नेचर जिस प्रकार से बनाए जा रहे हैं उनसे तो आपको थोड़ा अच्छा सा अध्ययन करना ही पड़ेगा बैठ के, ताकि स्टेटमेंट जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं ना उनको आप इजीली सोल्व कर सको, वरना अगर आप केवल फैक्ट्स रटते जाओगे ना उनसे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाले, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो सोल्व नहीं होने वाले, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इसमें आपको 25 क्वेश्चन सही करना है। राजस्थान के अंदर देखो, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है ना, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, ये सारी चीज़ें, और इनको बार बार पढ़िए और रिवीजन बार बार कीजिए, जितनी बार आप उनका रिवीजन कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना रिवीजन आपको कीजिए। तो यहाँ से 25 क्वेश्चंस का टारगेट रखने पर आपको 50 नंबर, ठीक है ना। अब देखो, बहुत सारे राजस्थान के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश। क्यों? क्योंकि 12th के बाद में वो क्या करते हैं, जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आते हैं तो अधिकांश स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो हिस्ट्री, वो हिंदी इंग्लिश जो कंपलसरी होता है एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के अंदर, उसमें तो अधिकांश स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हिंदी लेते हैं। उनका इंग्लिश जो है वो वीक होता है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका, और मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर प्रिपेयर जो है वो जो पार्टिसिपेट जो उनका वो हिंदी मीडियम वालों का ज़्यादा है, ये चीज़ भी है। तो इंग्लिश उनके लिए हर्डल बन के आती है, तो इसको आपको मतलब कि ऐसे हर्डल नहीं मानना है, इसका एक विकल्प है। और अगर आप इंग्लिश में आपको अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी अगर आप समझ में नहीं आ रही, वैसे मेरी सबसे पहली सलाह आपको यही होगी कि इंग्लिश को कभी भी बाधा नहीं माने। इंग्लिश के जो सिलेबस है ना आपका, उस सिलेबस में एक तो कॉम्प्रिहेंशन वाला टॉपिक है, एक एंटोनिम सिनोनिम्स वाला टॉपिक है जो केवल याद कर रखने वाला है, और जो अनसीन, ये जो अनसीन पैसेज है उसमें आप बाकायदा आपको एक पैसेज देंगे और उसमें से आपको आंसर छांटना है। तो आप ना चाहते हुए भी 3 या 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है वो थोड़ी सी मेहनत में भी कर सकते हो, तो बिल्कुल इसको नहीं छोड़ना। लेकिन फिर भी अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है ना तो आप क्या कर सकते हो, इसमें लगभग 12 से 14 क्वेश्चंस का मैंने टारगेट रखा। अगर आप 12 क्वेश्चंस रखते हो तो फिर आप हिंदी, अगर आप सोचते हो कि भाई मेरा इंग्लिश प्रॉब्लम है तो देखो इसके अंदर 22 क्वेश्चन है जिसमें हम मान के चल सकते हैं कि 11 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के हो सकते हैं और 11 क्वेश्चन ही हमारे किसके इंग्लिश के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 11 क्वेश्चन अगर 11-11 है, आइडियली एक स्थिति लेके हम बात कर रहे हैं कि भाई 11-11 क्वेश्चंस दोनों में से एक दोनों सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि हिंदी के मैक्सिमम क्वेश्चंस 11 में से लगभग 9 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप उस सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ रहे हो तो फिर 11 में से 9 क्वेश्चंस तो आपको सही करने ही पड़ेंगे, वरना आपकी मुश्किल बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और ये 9 इसमें से बचे फिर 3 क्वेश्चंस 12, उन 3 क्वेश्चंस आप अगर हल्की सी भी थोड़ी बहुत भी मेहनत करोगे ना, एंटोनिम सिनोनिम्स कुछ टॉपिक जो सिलेक्टिव टॉपिक आपको पढ़ने हैं जिसमें आपको समझने की जरूरत नहीं है, उसके केवल आपको उनको जो एंटोनिम्स, भाई फला शब्द है उस फला शब्द का एंटोनिम्स क्या है, उसका सिनोनिम्स क्या है, वो याद करने वाले टॉपिक है, और लगभग 10-15 जो है अनसीन पेसेज जो होते हैं ना उनकी अगर आप प्रैक्टिस करके चल जाओगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि लगभग 1-2 क्वेश्चंस पेसेज के आने वाले हैं तो उससे भी आपका काम बन जाएगा,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें 12 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। इसके 12 क्वेश्चंस के कितने नंबर हो जाएंगे, तो 12 × 24, ठीक है ना। अब बात आती है आपकी सबसे जो डिसाइडर है ना उनकी, इसके अंदर आपका देखो कितने क्वेश्चंस है, 45 क्वेश्चंस जो है वो आपके इसके अंदर है। इसमें से आपका टारगेट था 12 क्वेश्चंस का, जिसके आपके नंबर होंगे 24। इसमें देखो आपको 38 से 40 क्वेश्चंस सही करने, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसका एक ही इलाज है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी आप मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सको, इसमें ध्यान रखना मैथ्स के लगभग 4 या 5 टॉपिक ही है इसके अंदर, और बाकी सारे टॉपिक रीजनिंग के हैं। और रीजनिंग की अगर आप बार बार अभ्यास करोगे तो आपके जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रीजनिंग तैयार हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस ही करनी है आपको। वो एक लास्ट अभी आगे एक स्लाइड में मैं डिस्कस करूँगा कि एक आप डेली जो टाइम टेबल होता है ना, वो किस प्रकार का डेली टाइम टेबल आप सेट कर सकते हो, जिसके अंदर आपके जो सारा सिलेबस है ना उसको एक साथ लेके भी आप चल सकते हो। और उसकी लगभग आप 4 से 5 महीने सीरियसली बैठ के गंभीर रूप से तैयारी करते हो ना, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपका पटवारी एग्जाम जो है वो निकल सकता है। लेकिन सीरियसली, ये नहीं कि अगर आपने एक दिन 4 घंटे बैठ के पढ़ लिया और अगले दिन जो है वो कोई पता ही नहीं है आपका, अगले दिन 10 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन 2 ही घंटे बैठ के पढ़े, नहीं। अगर वो शेड्यूल आप फॉलो करते हो ना, तो आपकी तैयारी के अंदर बहुत हेल्पफुल होगा, और आप बहुत मिनिमम समय के अंदर पटवारी का जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस आप तैयार कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग के लगभग आपको 38 से 40 क्वेश्चंस जो है वो उनका टारगेट रखना है। अगर आप 40 क्वेश्चंस का टारगेट रखते हो तो यहाँ आपके 80 नंबर हो गए, ठीक है ना। अब बात आती है आपके कंप्यूटर की। देखो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर केवल फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। बहुत सारी जो शॉर्टकट्स की होती है कीबोर्ड की, वो कीबोर्ड की शॉर्टकट्स की पूछी जाएगी। ये याद करने वाला सब्जेक्ट है। इसमें आपके कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन। उसमें मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 10 क्वेश्चन ही सही कर लीजिए, 10 क्वेश्चन के 20 नंबर। इस प्रकार से आपको सिलेबस को सेगमेंट में बांटना है, उनसे कितने कितने टारगेट रखने हैं क्वेश्चन और कितने कितने नंबर। अगर आप इनको जोड़ोगे 80 और 20 100, 100 और 50 और 50 100, लगभग 224 नंबर आपके पूरे जुड़ रहे हैं। मैंने ये एक जनरल कैटेगरी को लेकर बात करी है, 224 ये टारगेट रखा। इसमें से लगभग 5 से 10 नंबर का वेरिएशन हो सकता है। जो टारगेट हम रखते हैं ना एग्जैक्ट, उसको अचीव करने के लिए हमारे को उससे ज़्यादा मेहनत करती है। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वास्तव में उस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। लेकिन अगर एक बार आप सिलेक्ट हो जाते हो ना, तो आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। ये आपके किस प्रकार से आपने जो टारगेट है उसको आपको अचीव करना है, वो चीज़ मैंने डिस्कस करी है, ठीक है ना। अगली स्लाइड में बात करते हैं अपन कि आपको कौन कौन सी बुक्स जो है वो पटवारी के लिए पढ़नी है, ठीक है ना। पटवारी में सबसे पहले आपके बात करते हैं देखो रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए मैंने आपको आर एस अग्रवाल और रामनेश माथुरिया की बुक सजेस्ट करी है। अब इसमें से आपको है ना दोनों बुक नहीं पढ़नी है, किसी एक बुक को सिलेक्ट करनी है। अगर आप रीजनिंग आर एस अग्रवाल से कर रहे हो तो माथुरिया को भूल जाइए, अगर माथुरिया से कर रहे हो तो आर एस अग्रवाल को भूल जाइए। बार बार इसी चीज़ को मैं फोकस कर रहा हूँ। देखो ध्यान देना कि एक ही बुक जो है ना, उस एक ही बुक को आप क्या करिए, बार बार पढ़िए। जितनी बार उसके प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी बार उसके प्रैक्टिस के लिए कोशिश ये की, क्योंकि बार बार दूसरी किताबों के ऊपर आप जाओगे ना, तो आप क्या है कि अच्छे से एक ही किताब को तैयार नहीं कर पाओगे, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। ये स्लाइड अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी राजस्थान के लिए राज परोरमा वाली बुक है, वो बुक आपको पढ़नी है, क्योंकि पटवारी के अंदर अगर आप पिछली जो साल पिछली वैकेंसी का जो पेपर देखोगे ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान जीके के लेवल किस लेवल के जो है वो क्वेश्चन हमारे से पूछे गए थे। इसलिए आपको क्या करना है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे को जो राजस्थान हिस्ट्री के कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वो उनको पढ़ना पड़ेगा। हम केवल फैक्ट रख के जो सिकवाल वाली आती थी कि भाई जिले वाला दर्शन ये आ गया ये वो आ गया, उनको पढ़ के हम पटवारी के एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके लिए हिंदी के लिए राघव प्रकाश जो टॉपिक है वो पूरी नहीं करना, आपका सिलेबस उठाइए, सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक है उन टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए और उन्हीं टॉपिक को आप पढ़िए। सेम इंग्लिश के लिए जो बीके रस्तोगी की बुक है उनको पढ़ लीजिए, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं। हाँ, जो अब समझाने वाली जो बात है ना वो यहाँ है। देखो मैंने यहाँ पर RSCIT की बुक लिखी है एक, अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपको पता चलेगा ये RSCIT की एक बुक लिखी है मैंने।
अगर आपने RSCIT के पास आपके पास बुक है ना, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे मार्केट्स के अंदर गाइड है, तो एग्जामिनर क्या कर रहा है, जो अकेडमिक बुक है ना उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। उनसे ये एग्जाम्स के अंदर देखा गया है कि जो एकेडमिक बुक्स हैं ना कंप्यूटर से रिलेटेड, उनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपके पास ये बुक है और नहीं है, तो किसी दोस्त से लेके उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिए, किसी भी प्रकार से अरेंज कर सकते हो, तो सबसे बेस्ट है। अगर फिर भी आपको नहीं मिलती है, तो फिर लास्ट में लूसेंट की जो है वो बुक है, उसी को आप पढ़िए, उसी में से जो, वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चंस बनने की संभावना जो है वो लूसेंट के बजाय RSCIT से सीधे सीधे क्वेश्चन बनने की संभावना, क्योंकि वो एक एकेडमिक बुक है, कोर्स की बुक है, ठीक है ना। इस वजह से मैंने कहा, देखो साइंस में मैंने आपको दो विकल्प दिए हैं, एक 9th-10th की NCERT या फिर लूसेंट की बुक। अगर आप चाहते हो कि हमारा जो साइंस है वो मेरा वीक है और मुझे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो 9th और 10th क्लास की, केवल 9th और 10th क्लास की NCERT पढ़नी है। देखो आपको पता है आपके पटवारी का लेवल जो है उससे नीचे की क्लास का ही बुक है ये। ऐसा नहीं है कि आपको वही जो पटवारी एग्जाम होने वाला है उससे ऊपर के लेवल की कोई एकेडमिक बुक बताई जा रही, नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है। देखो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको मटेरियल की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों? क्योंकि प्राचीन भारत भी पढ़ना है आपको, आपको मध्यकालीन भारत भी पढ़ना है आपको, और आपको आधुनिक भारत भी पढ़ना है। तो इसके लिए फिर मैं क्या कर सकता हूँ, आपको एक सबसे शानदार बुक है दृष्टि की क्विक बुक, उस क्विक बुक को पढ़िए। एक पतली सी बुक है जिसके अंदर तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में उन्होंने दिया हुआ है। आप क्या करिए, चाहे राजस्थान का अटेंड वो राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, या फिर आप प्राचीन या मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हो, जिस भी राजवंश को पढ़ो उसका जो सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास है ना, या जो कला से संबंधित इतिहास है ना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना उसके प्रशासनिक और राजनीतिक इतिहास के बजाय। आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए कि आप गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हो, कौन सा, गुप्त साम्राज्य, ठीक है ना। तो गुप्त साम्राज्य का आपको राजनीति की, कौन राजा बना, कब बना, कब नहीं बना, क्या प्रशासनिक थी, नहीं, उस समय मंदिर स्थापत्य कला कैसी थी, ठीक है ना, ठीक है ना, मंदिर उस समय जो है स्थापत्य कला, मंदिर स्थापत्य कला होगा। दूसरी स्थापत्य कला होगी, मौर्य काल पढ़ रहे हो तो उस समय स्तंभ निर्माण कला कैसी थी, इस समय साहित्य का विकास कैसे हुआ था, इस समय जो है वो चित्रकला, मूर्तिकला, कौन कौन सी जो है मूर्ति कला थी, उन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है ना हिस्ट्री में, उनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये चीज़ एक पॉइंट था जो सिलेबस के समय डिस्कस करना था, लेकिन वहाँ से स्किप हो गया, तो ये चीज़ जहाँ याद आती है मैंने इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो पॉलिटी की, अगर आप चाहते हो पॉलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके अच्छे से तैयार हो, तो आपको 11th क्लास की भारतीय संविधान की एक बुक है, उसको आप पढ़िए, वो पूरी आपके एग्जाम से रिलेटेड है। 11th क्लास के भारतीय संविधान, जिसके अंदर पूरा मूल अधिकार, नागरिकता, नीति निदेशक तत्व, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पूरी चीज़ दे रखी है, और उसमें बेसिक चीज़ें दे रखी है ताकि आपकी जो समझ है ना वो विकसित हो सके। लूसेंट्स में क्या है कि उसमें फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा भर रखी है, उनमें नॉलेज इन्फॉर्मेशन भर रखी है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पॉलिटी से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उनको समझना हो, तब आप क्या कीजिए कि NCERT पढ़िए। और अगर आप चाहते हो कि सीधा सीधा पढ़ना चाहते हो, तो फिर आप, मैंने आपको देखो हर जगह एक विकल्प दिया है, वो आपकी चॉइस है कि आप किस विकल्प को अपनाना चाह रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद में लूसेंट ये और NCERT क्लास 11th की ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी की भी क्लास 11th की जो है भारत का भौतिक पर्यावरण, पूरी NCERT आपके सिलेबस से सीधी सीधी जुड़ी हुई है। टॉपिक सिलेबस उठाइए, सिलेबस में तो बाकायदा जो भारत का ज्योग्राफी लिखी हुई है उसमें से जो सारे टॉपिक है वो सारे टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेटेड है। पूरा विस्तार में भी दे रखा है भारत का भौतिक विभाजन, नदियाँ, जितने पर्वत, पठार, मैदान, सब कुछ है ना वो अच्छे से समझा रखा है ज्योग्राफी के अंदर। और अगर आप चाहते हो NCERT नहीं पढ़ना, तो आप लूसेंट की जो बुक है वो पढ़ सकते हो। देखो करंट अफेयर्स के अंदर मैं खुद जो है वो डेली करंट अफेयर्स के इनिशिएटिव की बहुत जल्द शुरुआत करने वाला हूँ, जिसके अंदर आपके पटवारी हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, रीट हो गया, जो एग्ज़ाम की डिमांड है ना उसी हिसाब से आपको करंट अफेयर्स दी जाएगी। और कोशिश करूँगा कि 20 से 25 मिनट के अंदर रोज की डेली जो करंट अफेयर्स है ना वो आपको दी जाए, ऐसा नहीं कि एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में आपको करंट अफेयर्स कवर करवाई जाए, ठीक है। तो ये आपके बुक वाली चीज़ हो गई। अगली अगली चीज़ के ऊपर चलते हैं। ये है आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की
समय सारिणी क्या होनी चाहिए कि भाई हम पढ़ते हैं तो हमें एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हमें किस कितने घंटे पढ़े कितने घंटे नहीं पढ़े। एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ा डाउट ही यही होता है कि मैं मुझे कितने घंटे पढ़ने चाहिए कितने घंटे नहीं पढ़ने चाहिए। तो उस डाउट को आपको किस प्रकार से दूर करना है, एक बेसिक चीज़ मैंने इसमें डिस्कस करी कि आप किस तरीके से फॉलो कर सकते हो। आप चाहो तो ये आपके पास विकल्प के तौर पे है, आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो, नहीं तो अपना जो शेड्यूल है जो बेस्ट है उसको भी आप जो है वो फॉलो कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि आपकी जिस भी प्रकार की प्रवृत्ति हो पढ़ने की, चाहे सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की या लेट नाइट स्टडी करने की, दोनों में से किसी में भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक मनोविज्ञान अगर ये बना हुआ है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ने में, लेकिन आप कंफर्टेबल और नाइट में स्टडी करने के लिए, लेकिन ईमानदारी से नाइट में स्टडी कर रहे हो तो नाइट स्टडी ही कर रहे हो, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हो। होता क्या, नाइट स्टडी शुरू करते हैं, मोबाइल खोलते हैं और कोई पिक्चर और कोई वीडियो और पता नहीं क्या क्या देखना शुरू कर देते हैं, तो उसमें हमारा टाइम कितना चला जाता है वो पता नहीं चलता है। अगर आप सीरियसली नाइट स्टडी करने के लिए कमिटेड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, हर व्यक्ति की एक जो टेंडेंसी होती है वो सेम नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसलिए मैंने एक चीज़ स्पष्ट की कि तो उसके लिए आपको जो साइकोलॉजिकल बैरियर है या फिर साइकोलॉजिकल लोड, जो मनोवैज्ञानिक बाधा होती है कि नहीं मुझे रोज़ सुबह उठ के पढ़ना है, फिर सुबह उठ तो गए लेकिन फिर ऊँग रहे, झोंके खा रहे हो आप, फिर उस स्टडी का क्या मतलब जिसके अंदर आपका पूरा फोकस ही नहीं है। इसलिए चाहे आप नाइट में पढ़ो, चाहे आप दिन में पढ़ो, चाहे आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, जिस भी टाइम में आपको सूटेबल लगे आप डेली 7 से 8 घंटे जरूर निकालिए, क्योंकि ये आप जो टाइम है ना ये आपका किसका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी का जो पीक टाइम है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी का, क्योंकि पता नहीं इसके बाद में वैकेंसी कब आएगी, राजस्थान में भरोसा नहीं है। इसलिए अभी जिसके पास जो जितना भी टाइम है ना वो सारा फोकस कीजिए अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के अंदर, जो स्टूडेंट्स हैं वो, क्यों, क्योंकि इसके बाद में फिर कॉम्पिटिशन का लेवल भी बढ़ जाएगा, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ता जाता है, क्यों, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है, पेपर का स्टैंडर्ड्स बढ़ता जाता है, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना। इसलिए ये सोचिए कि मुझे इस भर्ती में सिलेक्शन होना है, मुझे केवल एक पद से मतलब है, बाकी पद से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो केवल एक पटवारी की सीट निकालनी है। जिस भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करो उसमें आपको ये रखना है कि ये मेरा फाइनल एग्ज़ाम है, इसमें मुझे जी जान से तैयारी करनी है। तो इसलिए मैंने एक बेसिक शेड्यूल्स की बात करी है जिसमें आपके सारी चीज़ें कंप्लीट हो सके। देखो डेली आपको 2 घंटे राजस्थान जो है ना वो चीज़ें तैयार करनी है। आप उठाइए एक बार राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर उठा लीजिए, उसको पढ़िए, फिर राजस्थान की ज्योग्राफी वाला सेगमेंट उठा लीजिए, फिर राजस्थान की जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है वो उठा लीजिए, लेकिन डेली आपको 2 घंटे राजस्थान वाले चीज़ के ऊपर देने हैं। फिर आपके बाद आता है डेली आपका इंडिया जीके, इसमें क्या कीजिए, करंट की चीज़ है ना उसको तो साइड में कर दीजिए, फिर बचे आपके 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस। इसमें आप क्या कीजिए, एक एक घंटे 2-2 सब्जेक्ट्स को दीजिए, पहले 2 सब्जेक्ट उठा लिए, कोई से भी 2 सब्जेक्ट्स उठा लीजिए, फिर जैसे ये 2 सब्जेक्ट्स आपके क्लियर होते हैं 2 घंटा रोज़ जो है इंडिया जीके को दीजिए, जैसे ही 2 सब्जेक्ट्स आपके क्लियर होते हैं फिर आप नेक्स्ट जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर आप आ जाइए। देखो आप पढ़ने के बाद में जो रिवीजन करना वो क्या करना वो लास्ट स्लाइड में मैं यही बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से रिवीजन करना है, क्योंकि आपको केवल पढ़ के उसको भूलना नहीं, उसको साथ लेके भी चलना है, चाहे जितनी भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उसको आपको साथ लेके भी चलना है, ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको 2 घंटे डेली राजस्थान, 2 घंटे डेली आपको इंडिया जीके वाली चीज़ें और 2 घंटे आपको मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है ना। इसको 2 घंटे आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होता डेली 2 घंटे मैथ्स और रीजनिंग के दीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस आपके इसके अंदर यही है, क्योंकि स्कोरिंग भी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और 1 घंटा आपको डेली करंट्स देना है जिसमें लगभग 20 से 25 मिनट जो डेली करंट होगा वो, और उसके अलावा एक अखबार जो है वो नियमित रूप से ये कीजिए कि रोज़ सुबह जो है वो एक अखबार पढ़िए, ताकि आप अपडेट भी रहो और फिर डेली करंट अफेयर्स के माध्यम से जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्म में जो क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है ना, ताकि क्या है कि आप साथ साथ करंट पढ़ते हुए चलो, क्योंकि करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपकी तैयारी के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आप 1 घंटा जो है वो डेली प्रैक्टिस कीजिए। अब डेली प्रैक्टिस टेस्ट में किसी भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस उठा लीजिए, जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिया, मान लीजिए राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया, उठाइए उसके क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, जो भी मॉडल क्वेश्चंस पेपर आपके पास अवेलेबल हो, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो उसके पीछे क्वेश्चंस आए हुए हैं या नेट से सर्च मारो, आजकल तो मटेरियल की कोई कमी नहीं है, बस सर्च मारने वाले की कमी है कि भाई मुझे मटेरियल का एक्सेस नहीं है, ये वाला बहाना तो अब नहीं चलने वाला, क्योंकि बहुत मटेरियल अवेलेबल है नेट के ऊपर।
तो आप क्या कीजिए कि राजस्थान ये जिस जो भी सब्जेक्ट्स आपका तैयार हो जाता है ना, उस सब्जेक्ट्स की आप प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप क्या है कि जब आप एग्ज़ाम दो ना, एग्ज़ाम दो तो आपका एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस है, ठीक है ना, और 3 घंटे का आपको टाइम है, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आपसे 3 घंटे के अंदर ये क्वेश्चंस ही सोल्व नहीं होंगे 150, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस मस्ट है। अगर आप आरएस का या फिर जो यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम्स है उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखो ना, उसमें लेवल बहुत बड़ा हाई होता है थोड़ा, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखोगे ना तो उसमें यही प्रयास रहता है कि जो भी तैयारी करने वाला कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस की वो प्रैक्टिस कर सके। और प्रैक्टिस करने का फ़ायदा क्या होता है, जो चीज़ आपने पढ़ी ना उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आपने चीज़ पढ़ तो ली, वो आपके दिमाग में है या नहीं है उसका टेस्ट करने का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है ना। इसलिए ये एक बेसिक शेड्यूल मैंने आपके लिए साहब के सामने रखा है, आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो उसमें आप अगर कुछ संशोधन भी करना चाहते हो आपके अकॉर्डिंग कि आप, तो आप कर भी सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि नियमित रूप से लगभग रोज़ 7 से 8 घंटा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको इसको देना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लास्ट आपकी स्लाइड है कि रिवीजन की स्ट्रेटजी, भाई हमने ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली लेकिन उसको साथ भी तो रखना है हमारे को। अब इस रिवीजन की जो स्ट्रेटजी है ना उसको आपको 3 तरीके से आप कर सकते हो, आपके पास विकल्प है। आप चाहो तो डेली जो है ना आप पढ़ रहे हो ना उसका 1 घंटा निकालिए डेली, या जो है वो वीकली वीकली या फिर मंथली, कोशिश करिए मंथली, ठीक है ना। डेली में क्या कीजिए कि आपने आज जो डेली पढ़ा है ना 6 से 7 घंटे जितने भी जो चीज़ें पढ़ी है ना उसको लास्ट 1 घंटा या आधा घंटा रिजर्व रख के डेली उस चीज़ को रिविज़न कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आप डेली नहीं भी कर पाते हो तो उसमें इतना लोड डेली की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये 2 चीज़ें तो ज़रूर फॉलो करनी है। वो कैसे फॉलो करनी है, उसका क्या एक स्ट्रेटजी हो सकती है, वो मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ। देखो आप क्या करिए, मंडे से लेकर सैटरडे तक यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक आप जो है वो आपने जो शेड्यूल बना रखा उस शेड्यूल के अनुसार आप पढ़ते रहिए। संडे को आप डिसाइड करिए कि जितना मैंने इन 6 दिनों 7 दिनों के अंदर पढ़ा है ना उन सभी चीज़ों को जो है वो मैं रिवीजन करूँगा। संडे के दिन आप केवल क्या रखिए, रिवीजन का रखिए, जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है ना उन सारी चीज़ों को संडे के दिन रिवीजन कीजिए, और उसके बाद में अगर आपके पास समय बच जाता है ना तो एक प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो कंप्लीट जो प्रैक्टिस टेस्ट है ना वो अगर आप सॉल्व कर पाओ हर संडे को तो सोने पे सुहागा हो सकता है आपके लिए, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो वो बात ये है ना कि भाई जितनी आप मेहनत करोगे तो उसका आपको उतना परिणाम भी मिलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सबसे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये है कि रणनीति के साथ तैयारी करनी है आपको, आँख मूंद के तैयारी नहीं करनी है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको मैंने इस एग्ज़ाम्स की रणनीति के बारे में डिटेल में डिस्कस किया कि ताकि आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी के ले को लेके जो कन्फ्यूजन या डाउट्स होने वो आपके समाप्त हो जाए, ठीक है। तो हर संडे को आप वीकली आपने मंडे से लेके सैटरडे तक, सोमवार से लेके शनिवार तक जो पढ़ा उसका आपको संडे को रिविज़न कर लिया। फिर आप क्या कीजिए कि हर मंथ के लास्ट में 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन आप ऐसे रखिए जिनमें आपने जो महीने में पूरे 25 दिन में पढ़ा है ना उनका आपको रिवीजन कीजिए। आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है ना वो सारी चीज़ें आपके साथ रहेगी, इस दिमाग के ऊपर विश्वास रखिए। लगता ना कि आपको कि मैं जो चीज़ पढ़ रहा हूँ मैं भूल रहा हूँ बार बार, उसका कारण ही है लैक ऑफ रिविज़न। रिविज़न की सबसे बड़ी कमी, रिविज़न ही क्या होता है, हमारा रिविज़न होता है, उसको बार बार रिविज़न कीजिए जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना। तो आप सोमवार से लेकर शनिवार तक जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसका आपने संडे को रिवीजन कर लिया, और मंथ के लास्ट में 4 से 5 दिन रिजर्व रखिए, उस दिन कोई भी नया नई चीज़ मत पढ़िए, जो आपने पुराना पढ़ा है पिछले महीने में उसका सारा रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मई का महीना है, इस मई के महीने में आप 25 तारीख तक जो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, ठीक है, फिर उसके बाद में बचे हुए जो 4 या 5 दिन है ना उन 4 या 5 दिन में पूरा जो महीना आपने पढ़ा है उसका आपको रिवीजन कर लेना। ऐसे ही आपको हर महीने में आपको इस स्टार्टिंग में आपको ये जो शेड्यूल फॉलो करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक बार जब आप इसको फॉलो कर लोगे ना तो आप खुद इसका रिजल्ट देखोगे कि आपको कितना पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग जाएगा, कितनी चीज़ें आपकी आसानी से कवर होने लग जाएगी, और आपको तैयारी को लेकर जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो आपके अंदर बिल्ट होने लग जाएगा।
और जब कॉन्फिडेंस बिल्ट होने लग जाता है ना, तो आपको तैयारी करने के अंदर मजा आने लग जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इसके बावजूद, इसके बाद भी पटवारी की तैयारी से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने की। और हाँ, इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर्स से या फिर उनसे जो रिलेटेड कोई क्लास है उससे रिलेटेड भी अगर कोई डाउट हो, तो वो भी आप इस क्लास या कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।